हेलो फ्रेंड्स, किरंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे कि कुशन कवर, पिल्लो कवर, बेड शीट, सोफ़ा कवर, बेबी ब्लैंकेट, डिश कवर, कुछ भी बनाएं। आपको बस देखिए एक ये रुमाल बनाना है, देखिए, और इसको आपस में अटैच करते करते आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए ये वाला, ये बस आपको बना के तैयार करना है। और इसका बीच में देखिए फ्लावर भी बहुत सुंदर बन के आता है। जैसे ये वाला एक मैं बना के अब यहाँ अटैच करूँगी तो बहुत ही सुंदर ये स्क्वायर शेप में बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको अटैच करते करते कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, बेडशीट तक आप इसको बना सकते हैं, और बिछी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें यूज़ की है दो रंगों की ये वूल और 10 नंबर की नीडल्स। तो इस कलर के मैंने दो बना लिए हैं, इस कलर का मैंने एक ही बनाया है, तो इस कलर में हम दूसरा बना के तैयार करते हैं और उसके साथ हम अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें 3 स्टिचेस डालोगे, 3 स्टिचेस से ये स्टार्ट होता है। देखिए 1, 2 और ये 3, ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए रॉन्ग साइड फर्स्ट रो उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। सारे फंदे आप उल्टे बुनोगे। देखिए अब राइट साइड है इसकी, रो नंबर 2 है, एक फंदा उल्टा, पहला सिलाई पर से ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर से फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर से धागा घुमाएंगे और फिर से फंदा उल्टा बुनेंगे। इस लाइन में आपके पास 5 स्टिचेस हो जाएंगे। देखिए ऐसे। अब रो नंबर 3 में हम रॉन्ग साइड की जो रोज है यहाँ पे सारी आप उल्टी बुनोगे। जब तक मैं आगे आपको नहीं बताती हूँ तो आपको देखिए ऐसे इसकी रो नंबर 3 है ये रॉन्ग साइड, ये आपको ऐसे उल्टी बुन के ही कंप्लीट करनी है। जब तक मैं आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इसके रॉन्ग साइड के बारे में नहीं देती हूँ तो आपको ये उल्टी ही बुनते जाना है। रॉन्ग साइड वाली रोज मैं इसमें दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगी, मैं राइट साइड में ही अब आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब रो नंबर 4 में हम इसका जो ये लीफ है, पत्ता सा हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन का, ये हम रो नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 4 में है हम राइट साइड में। देखिए कैसे करेंगे, इसके जो साइड जो फंदे हैं वो हर रो में यहाँ बढ़ते जाएंगे। देखिए उल्टा डालेंगे, धागा घुमाएंगे, देखिए ऐसे, और फिर से हम उल्टा फंदा डालेंगे। यहाँ हम इसका लीफ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, ये दो इधर हो गए हमारे, दो इधर, और ये बीच वाला स्टिचेज है, यहाँ से हम इसका लीफ स्टार्ट करेंगे। देखिए ये धागा आगे रहने देंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, देखिए ऐसे। अब आगे का फंदे हमें उल्टे बुनने हैं तो हम धागा एक बार आगे लाके इसके ऊपर से घुमाएंगे। देखिए यहाँ भी जाली आएगी, उल्टा फंदा आएगा और फिर से धागा घुमा के साइड पे, तो इसके जाली आएगी ही आएगी। देखिए ऐसे ये रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिए। रो नंबर 6 में हम राइट साइड में देखिए फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, जाली होगी यहाँ पे, एक फंदा उल्टा और दो फंदे उल्टे आएंगे। देखिए दो स्टिचेस उल्टे डालेंगे। अब जो जाली वाला ये फंदा है, ये सीधे के साथ वाला जो हमने ये बढ़ाए हैं, ये सीधे आएंगे। देखिए दो उल्टे डाले हमने, ये सीधा आएगा फंदा, ये अब लीफ बनना स्टार्ट है। इस यहाँ पे धागा आगे लाएंगे, सीधा बुनेंगे, देखिए
फिर से धागा आगे लाएंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, और फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, वन और ये टू, धागा घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे उल्टे फंदे भी बढ़ते जाएंगे, यहाँ साइड से एक इधर से बढ़ेगा और एक इधर से बढ़ेगा, उल्टे फंदे भी बढ़ेंगे और लीफ के जो बीच के फंदे हैं सीधे, ये भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसकी सारी रोज आपको बताऊंगी ताकि आप आराम से कर सकें। तो अब उल्टी रो आप इसकी उल्टी करके कंप्लीट कीजिए। रो नंबर 8 में हम राइट साइड में देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा उल्टा, यहाँ से धागा घुमाएंगे, एक दो और ये तीन, देखिए उल्टे फंदे बढ़ रहे हैं, पहले दो थे अब तीन हो गए, फिर सीधे भी बढ़ेंगे, देखिए वन और ये टू, दो सीधे, धागा आगे लाएंगे और एक यहाँ पे जारी डालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन और ये टू, देखिए, और अब उल्टे बुनेंगे, वन टू और ये थ्री, देखिए धागा घुमाएंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, और उल्टी रो जो है उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए थोड़ी देर में आपको ये दिखने लग जाएगा। रो नंबर 10 में हम राइट साइड में देखिए कैसे करेंगे। उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, देखिए वन टू थ्री और ये फोर, देखिए उल्टे फंदे बढ़ रहे हैं, फोर हो गए, अब सीधे बुनेंगे, वन टू और ये थ्री, देखिए और धागा आगे लाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे जाली, देखिए धागा आगे लाएंगे और फिर से डालेंगे जाली, वन टू और ये थ्री, देखिए तीन फंदे सीधे आ जाएंगे और अब ये उल्टे आएंगे, वन टू थ्री और ये फोर, धागा घुमाएंगे और एक, देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए थोड़ा थोड़ा ये लीफ दिखने लग गया है। रो नंबर 12 में हम राइट साइड में देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा आप उल्टा बुनोगे, धागा घुमाओगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव स्टिचेस आपके देखिए उल्टे आ जाएंगे, वन टू थ्री और ये फोर स्टिचेस आपके देखिए सीधे आ जाएंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, देखिए फिर से धागा आगे लाएंगे, वन टू थ्री और ये फोर, फोर स्टिचेस आपके ये लीफ के आ जाएंगे, देखिए ये लीफ बन रहा है बीच में, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, धागा घुमाएंगे और ये उल्टा बुनेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब आप रॉन्ग साइड की उल्टी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। रो नंबर 14 में हम राइट साइड में देखिए धागा घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, एक एक देखिए बढ़े जा रहा है, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, देखिए
धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और एक हो रहा है ये 5। अब उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए धागा घुमा के लास्ट वाला बुन देंगे और उल्टी साइड वाली रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 16 में है, राइट साइड में देखिए फ्रेंड्स, ये लीफ इसका दिखने लग गया है, बीच का डिज़ाइन जो है ये देखिए। अब हम आगे चलते हैं, उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 स्टिचेस जो हैं ये उल्टे आए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सीधे डाले। देखिए धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए बाकी ये उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जाली डालेंगे, धागा घुमा के लाएंगे और उल्टा बुनेंगे और उल्टी रो जो है वो उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 18 में हम राइट साइड में देखिए कैसे करेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, यहाँ साइडों पे तो हमें बढ़ाना ही है उल्टा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 स्टिचेस उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और धागा आगे लाके ये वाला उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड की जो रो है वो उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 19 रो हो चुकी हैं, देखिए रोज बन चुकी हैं। ये हमारा लीफ जो है ये हाफ बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब रो नंबर 20 में हम राइट साइड में अब इसको हम घटाना शुरू करेंगे। ये हाफ लीफ बन गया है, अब बाकी का हम घटा के बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ तक हम इसको तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए इसको हम घटाना शुरू करेंगे लीफ को। देखिए ऐसे दोनों तरफ से ये लीफ घटेगा और इसकी शेप आ जाएगी। रो नंबर 20 में है हम राइट साइड में, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कैसे घटाएंगे। यहाँ से तो फ्रेंड्स आपके अभी बढ़ते ही जाएंगे जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगी। जब ये पूरा लीफ खत्म हो जाएगा बाइंड ऑफ होके, फिर इसमें हम बढ़ाना जो है छोड़ेंगे। देखिए अभी यहाँ बढ़ेंगे ही, वन टू थ्री
फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन। ये देखिए यहाँ से ये दो छोड़ के ये आपके नाइन स्टिचेस यहाँ पे हो गए हैं उल्टे, और ये रो नंबर 20 है। 20 में आप इसका ये घटाना शुरू करोगे। देखिए कैसे घटाएंगे, देखिए स्लिप स्लिप आगे से करेंगे आप ये, और इन दोनों को हम पीछे को बुनेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए आपके अब ये सीधे फंदे जो हैं वो कम होते जाएंगे। ये वाले उल्टे फंदे तो यहाँ से एक बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएंगे, और सीधे फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ होंगे। बाकी आप सीधे बुन के इसके कंप्लीट करोगे। देखिए मैं एक रो आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ, और एक बार आपको और ये रो रिपीट करके दिखाऊंगी, फिर आपको ये खुद ही करना है आगे। देखिए ये बाकी जो हैं बीच के सीधे फंदे सारे सीधे बुन के कंप्लीट करेंगे जितने भी हैं इसमें। ये देखिए अब ये लास्ट के आपके पास देखिए दो फंदे सीधे हैं जो ये लीफ के, इसको आपको दो का एक करना है। देखिए दोनों तरफ से आपको घटाने हैं, देखिए ऐसे, और ये बाकी फंदे जो हैं ये उल्टे बुनेंगे। बस आपको ये 20 रो जो है इसको रिपीट करते जाना है। एक बार मैं आपको और रिपीट करके दिखाऊंगी, फिर आपको खुद इसको करना है। ये रॉन्ग साइड की जो रो है वो उल्टी बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। रो नंबर 22 में है हम राइट साइड में। मैं आपको एक बार रो नंबर 20 इसमें रिपीट करके दिखा रही हूँ। आपको ऐसे ही करना है। फिर देखिए उल्टा फंदा धागा घुमाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10। देखिए ये वाले आपके जो हैं स्टिचेस ये यहाँ से इंक्रीज होते जाएंगे, इसमें आप बंद नहीं करोगे। ये बस आपको देखिए स्लिप स्लिप इनको आपको जो है ये लीफ इसको क्लोज करते जाना है। देखिए ऐसे, और बीच के सारे स्टिच आप सीधे बुनोगे इसके, और उधर से भी आप इसको क्लोज करोगे। ये रो नंबर 20 जो है मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। आपको रो नंबर 20 को अब रिपीट करते जाना है जब तक आपका ये लीफ पूरा क्लोज नहीं होता है। इसको आप देखिए यहाँ से ये उल्टे स्टार्ट हैं, ये दो फंदे दो का एक करेंगे। और बाकी हम उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ये मैंने आपको रो नंबर 20 रिपीट करके बताई है। अब बस आप ऐसे ही ये रिपीट करते जाइए जब तक आपकी ये जो लीफ है ये पूरा क्लोज हो ना जाए। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप यहाँ से ऐसे ये लीफ दोनों तरफ से ये बाइंड ऑफ यहाँ तक कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे करना है। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लीफ को पूरा डिक्रीज कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, एक रो आएगी इसमें। यहाँ तक मैंने 33 रोज डाल ली हैं, अब हैं हम 34 रो में राइट साइड में। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अभी इंक्रीज करेंगे, एक उल्टा और ऐसे इसको धागा घुमा के ये उल्टे फंदे जो हैं ये सारे हम उल्टे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उल्टे स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। अब हमारे पास ये तीन स्टिचेस हैं, इसको देखिए कैसे करेंगे, स्लिप स्लिप और ये इसको बुनेंगे।
तीसरे स्टिच को बुनेंगे जाके, देखिए। और ये दो स्टिचेस जो स्लिप किए हैं ये इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल लीफ बन के तैयार है। देखिए नोक आ गई इसकी, और नेक्स्ट वाला जो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये पीछे वाला बुना है। राइट साइड है ये इसकी, रो नंबर 36। देखिए इसको कैसे डालेंगे, एक फंदा उल्टा यहाँ इंक्रीज करेंगे, ये लास्ट बार हम इंक्रीज कर रहे हैं, और ये बाकी जो रो है सारी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरे उल्टे फंदे बुनेंगे हम, सारी रो उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे एक स्टिच इंक्रीज करेंगे लास्ट बार। देखिए फ्रेंड्स, सारे जो फंदे हैं ये उल्टे बुन के कंप्लीट कर लिए मैंने, लास्ट में हूँ। यहाँ पे ये लास्ट बार एक स्टिच बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन से हमारी डिक्रीजिंग स्टार्ट होगी। देखिए अब ये वाली रो एक हम बुन लेते हैं रॉन्ग साइड की, सारी उल्टी बुनेंगे। ये रो नंबर 37 है, इसको पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए रो नंबर 37 रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 38 में हैं हम, राइट साइड में। यहाँ से हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए अब डिक्रीज आपको हर बार ऐसे ही करना है, दो उल्टे फंदे बुनने हैं। देखिए दो का एक, देखिए दो का एक करेंगे, और बाकी के सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे। देखिए सारी रो बाकी आप सीधी बुनेंगे। देखिए ऐसे सीधे फंदे बुनते हुए यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे। ये मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बाकी के फंदे हमने सीधे बुन के कंप्लीट किए हैं, और लास्ट पे दो फंदे हम उल्टे, देखिए दो का एक करेंगे। जो डिक्रीजिंग वाले स्टिचेज हैं वो हमें उल्टे ही डिक्रीज करने हैं हर बार, चाहे आपकी रो सीधी हो चाहे उल्टी हो, इसको हम ऐसे ही डिक्रीज करेंगे। और रो नंबर 39 रॉन्ग साइड सारा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड है, इसको पूरा उल्टा बुन के आप कंप्लीट करेंगे ऐसे। राइट साइड है ये रो नंबर 40। देखिए घटाने का तरीका वैसे ही रहेगा, दो का एक उल्टा बुनते हुए करना है आपको। देखिए और ये बाकी के फंदे जो बीच के सारे उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो आप उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए ऐसे, और लास्ट में हम फिर से स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। लास्ट में देखिए दो का एक करेंगे ऐसे। ये रो नंबर 40 हमने कंप्लीट कर ली है। अब आएंगे रॉन्ग साइड में, रो नंबर 41। ये रो जो है ये आप सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस रो को आप 41 नंबर रो रॉन्ग साइड सीधा बुन के कंप्लीट कीजिए आप। देखिए रो नंबर 42 में हम राइट साइड में, देखिए कैसे बुनेंगे। दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, और बाकी के जो फंदे हैं ये सारे हम सीधे बुनेंगे। बीच के फंदे ये सारे सीधे बुन के कंप्लीट करेंगे देखिए ऐसे, और लास्ट में फिर दो का एक करेंगे। लास्ट में इस रो की देखिए सारे फंदे हमने सीधे बुन के कंप्लीट किए हैं इसमें, और लास्ट में देखिए दो का एक उल्टा बुनते हुए। देखिए
और अब हैं हम रॉन्ग साइड में, रो नंबर 43 में। इसको आप सारा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको आप पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे, राइट साइड है, रो नंबर 44 है। देखिए, घटाने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। उल्टा बुन के आपको 2 का 1 करना है और बाकी के बीच के जो फंदे हैं ये आपको सीधे बुनने हैं। इस रो में सारे फंदे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं और लास्ट में फिर 2 फंदे घटाएंगे हम, 2 का 1 करेंगे, सॉरी। देखिए, ये पूरी रो आप देखिए सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, सारे फंदे सीधे बुन के कंप्लीट कर लिए मैंने और लास्ट में 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर लिए। रो नंबर 45 में हम रॉन्ग साइड में, देखिए इसको हम सारा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में हमने स्टिचेस डिक्रीज नहीं करने हैं। जैसे जैसे मैंने आपको इसमें रो बताई है डिक्रीजिंग में, रॉन्ग साइड वाली आपको वैसे ही बुननी है। देखिए, इसको हम सारा सीधा बुन के कंप्लीट करते हैं। राइट साइड में हम रो नंबर 46 में, देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, और बीच के फंदे सारे उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये रो सारी उल्टी आएगी। लास्ट में हम फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए ऐसे, पूरी रो आप उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए। लास्ट में हम इस रो के देखिए 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ऐसा डिज़ाइन आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप ऊपर डिक्रीजिंग में कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जो आपका मन चाहे। देखिए, मैंने ये वाला डाला है। अब आप रो नंबर 37 से लेके रो नंबर 46 तक इसमें रिपीट करते जाएंगे जब तक आपकी ये डिक्रीजिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। रो नंबर 37 से लेके रो नंबर 46, ये 10 रोज हैं। इसमें आप ये बार बार रिपीट करते जाइए जब तक आप डिक्रीज करते जाओगे। मैं आपको दूसरे वाला भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड है, ऐसा ऐसा ये दिखेगा आपका जब ये डिक्रीजिंग होती जाएगी। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऐसी ऐसी उभरी उभरी रोज आपकी राइट साइड में आएंगी। ये बस आप रिपीट करते जाइए तो आपका ऐसा ऐसा ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये पूरी डिक्रीजिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे बचे हैं मेरे पास ये 3 स्टिचेस और ये है हमारी राइट साइड। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए, इसमें करेंगे हम स्लिप स्लिप और ये लास्ट वाला फंदा बुनेंगे और 2 जो स्लिप करे हुए फंदे हैं ये इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से हम ये वूल को निकाल देंगे। देखिए ऐसे, इसमें से ये वूल हम निकाल देंगे और ये आपका बनके तैयार हो चुका है। बस आपको ऐसे ऐसे ही बनाते जाना है और जितने मर्जी ये बनाइए और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप इसमें तैयार कर सकते हैं। मैं अब आपको ये इकट्ठे करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गया ये। मैं आपको ये क्लोज से भी दिखाती हूँ। देखिए ऐसे, ये आप इसका चोरस बना के ये छोटा सा आपका कुशन तैयार हो गया है। देखिए, जो मैंने अभी इनको अटैच नहीं किया है, ऐसे ही रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए ऐसे आप इसको जोड़ जोड़ के बहुत सारे ये बहुत सुंदर बेडशीट बना सकते हैं, पिल्लो कवर बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको इसको सिलना बता देती हूँ थोड़ा सा कि सिलेंगे इसको कैसे।
देखिए फ्रेंड्स, ये दो आप लेंगे ऐसे, एक दूसरे कलर का, एक दूसरे कलर का, जैसे मैंने रखे थे वैसे आपको इनको सिल के अटैच करना है। देखिए उल्टी साइड करेंगे, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल वहीं से इसको अटैच करेंगे। ऐसे सिलेंगे और आपको बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलना है। ये देखिए बिल्कुल आप ये जो है इसका किनारा किनारा ऐसे सिलना है, यहाँ यहाँ जैसे आपने घटा रखे हैं वैसे आप इसको सिलते जाएंगे। चाहें तो आप इसको क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए ऐसे अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह से इसको सफाई से सिल के कंप्लीट करेंगे। आपको देखिए सिलना कितना है, यहाँ से लेके इसके सिर्फ यहाँ तक, ये आपको सब में यही सिलना है। ये देखिए अब मैं आपको ज़रा सीधा दिखाती हूँ। ऐसे देखिए आप ऐसे सिलेंगे कि इसकी जो ये है शेद, ये दिखाई देने चाहिए। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलना है आपको। ये जो इसकी ये हमने बढ़ा रखे हैं फंदे, ये इसकी बहुत सुंदर लगते हैं, ये दिखने चाहिए। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे ऐसे ही आपको सिलते जाना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, बस इतना सिलना आपको, फिर हम एक और लगाएंगे इसके साथ। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक सिलेंगे, फिर एक और लगाएंगे ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। ये इसके कॉर्नर्स सेम हैं सारे ये, और ये यहाँ पे यहाँ से सिल लेंगे, तो ये आपका जो सारा सिल के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऐसे बिल्कुल ये बन जाएगा। आप और जितने मर्जी इसमें बना बना के आगे आगे इसमें अटैच कर सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटे से छोटा बना सकते हैं। देखिए कुशन आपका एक बन के तैयार है, ये छोटे वाला कुशन। अगर आपको बड़े वाला कुशन बनाना है तो आपको ये फ्लावर बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा और अपने कुशन के हिसाब से। तो जैसे आपके फंदे ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे देखिए ये मैंने यहाँ तक जैसे करे हैं, तो थोड़े से और अगर आप बढ़ाएंगे इसमें और फिर बाद में करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो उसमें आपका जो प्रोजेक्ट के लिए किसी के लिए चाहिए, आपको कुशन के लिए चाहिए पूरा पूरा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपने लिए किसी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट इसमें जोड़ जोड़ के, बहुत सुंदर बनता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।